देखो तुम दोस्तों मिटा मिटा दोबारा लिख एक कॉफी हाँ तीन ग्लास पानी आ जाओ जल्दी लिखो सर एक कप एक कॉफी तीन ग्लास पानी जल्दी लिखो एक कप कॉफी तीन ग्लास पानी एक कप कॉफी तीन ग्लास पानी एक कप कॉफी तीन ग्लास पानी अभी तक तो यही था मेरे आंगन में पौधे में खिले फूल की तरह खिलखिला रहा सुबह की सूरज की रोशनी में नहाया हुआ धूल की किरणों सा खेल रहा सुबह नहाने के बाद धुले हुए कपड़ों सा महक रहा जो मेरे किताबों के शब्दों में तैर रहा अभी तक तो यही था मेरे आंगन में न जाने कहां चला गया मेरा वो बचपन हाँ यही से मुझे शुभ करना है मेरा वो वो
धुएं में असंख्य लकीरें, सब अलग अलग टूटती बिखरती हुई वायुमंडल के मुंह में समाती जा रही। ये परिवेश जैसे बहुत बड़ी छिपकली है और ये सारी लकीरों को मुंह से चाटती जा रही। हमें इस तरह बोल रहे हैं, थोड़ा दिखा दी, हमने तो सिगरेट नहीं पी, कॉफी का तो नाम भी नहीं सुना। हाँ, 1944 में पहली बार कॉफी का नाम सुना। हमारे सुराजी गुरु ने 13 दिन का उपवास तोड़ा था, आत्मशुद्धि का उपवास। अंग्रेज कलेक्टर ने अपने हाथ से उन्हें कॉफी पिलाई। इट्स रियली सो बोरिंग। एक कप कॉफी 3 गिलास पानी, एक कप कॉफी 3 गिलास पानी सर, एक कप कॉफी 3 गिलास पानी। गुड मॉर्निंग सर, आपको देंगे। अजीब लोग हैं आप, इन्हें कोई क्या समझाए, इनसे कोई क्या बात करे, मतलब इन्हें बेमतलब का इतना गुस्सा। चुप रहो, यहां एक कुर्सी थी, यहां एक कुर्सी थी, यानी एक इतिहास की बात। और इतिहास में क्या नहीं, आज मैं एक इतिहास हूं, कल तुम एक इतिहास हो। यहां की वो कुर्सी कहां है? सर वो यहां की कुर्सी यही है, आई मीन भीतर है, उस पर एक सज्जन पुरुष बैठे। पर वो कुर्सी यहां की? जी सर, वो कुर्सी यही की है, लेकिन उस पर एक सज्जन पुरुष बैठे। उस सज्जन पुरुष से कहो कि कोई फायदा नहीं, उन्हें बेहद कम सुनाई देता है। मैं लिख कर देता हूं, उससे भी कोई फायदा नहीं, उन्हें दिखाई भी बहुत कम देता है। दरअसल आप उस सज्जन पुरुष को नहीं जानते, मैं उन्हें पिछले 25 वर्षों से जानता हूं। तो आप उन्हीं के पास जाकर क्यों नहीं बैठ जाते? यही तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आप उस सज्जन पुरुष को नहीं जानते, यही वो सुराजी गुरु है। अभी हर वक्त बैठा कॉफी पीता रहता है और एक भीड़ से घिरा रहता है, अजीब किस्म की भीड़। मुझे तो सिर्फ भीड़ दिखाई दे रही है, एक घिनौनी भीड़, गिलगिली लिथलिथी घिनौनी भीड़। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तुम उसके बारे में बात नहीं करना, यही वो चाहता है। ये मेरी इच्छा नहीं, ये तुम्हारी इच्छा नहीं है, ये उसकी इच्छा है। मुझे किसी की परवाह नहीं। उसे भी किसी की परवाह नहीं। मैं देखता हूं, रुको, वो हमें देख रहा है। मैं उसे जबरन उठाकर कुर्सी ले आता, वो कुर्सी यहां की। मैं पिछले 6 दिनों से यहां लगातार बैठता। सॉरी सर, लेकिन पिछले 6 दिनों से सज्जन पुरुष यहां पर नहीं सर, वो पिछले 20 सालों से यहां लगातार बैठता है। पिछले 6 दिनों से यहाँ लगातार बैठते हैं, वो यहाँ बैठती थी और मैं यहाँ बैठा था। I know sir, आप यहाँ बैठते थे, वो यहाँ बैठती थी, लेकिन पिछले 6 दिनों से वो शहर से बाहर था। भाई, मैं पिछले 6 दिनों तक अपने मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल में था। दरअसल मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत है, सुबह से दोपहर तक लो और दोपहर से आधी रात तक हाई, मुझे नींद नहीं आती। लेकिन तब मैं यौगिक क्रिया द्वारा अपने ब्लड प्रेशर को बदल देता, सुबह से दोपहर तक खाई और दोपहर के बाद लो और फिर मैं आराम से सोता। सर, आपको योगी क्रिया आती है? हाँ बिल्कुल आती है, मुझे बताइए। बिल्कुल, देखो कुछ सरल चीजें मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे कि अनुलोम विलोम, है ना, कैसे हाथ रखना और सांस को अंदर लेना है और फिर ये ऐसे सांस को छोड़ना। हाँ बिल्कुल, ये ऐसे हाथ रखा, सांस को अंदर लिया और फिर आवाज के साथ छोड़ना है। और कभी कभी चाहो तो ये भी कर सकते हो, इससे बहुत आराम मिलता है। अरे बंद करो अपनी बकवास, मुझे यहां बैठकर बातें करनी। बेटा ये साहब चाहते क्या? साहब अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार करना चाहते हैं। गर्लफ्रेंड? आप उठिए। नहीं उठिए। मैंने कहा ना नहीं उठूंगा।
मैं पिछले 6 दिनों से यहाँ लगातार बैठता था। मैं पिछले 13 वर्षों से यहाँ बैठता। आप समझ नहीं रहे। तुम नहीं समझ रहे। नहीं उठूंगा। ये हाथ हटाओ कुर्सी से। दो हाथ हटाओ। देखो छोड़ दो कुर्सी। छोड़ दो। 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 सर सज्जन पुरुष ने आप लोगों को शीतल जल पिलाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि आपको ज्यादा चोट आई हो तो थोड़ा रुककर पी। मुझे कम चोट आई वो फर्क नहीं। मुझे पिलाओ। मुझे जरूरत है। उसको चोट लगी। सर आप लेंगे? एक सिगरेट मिलेगी? मैं स्वतंत्रता संग्राम लड़ा हूं। देश को आजाद कराने में मेरा योग है, हाथ है, पार्ट। इंकलाब जिंदाबाद के एक बोल पर मुझमें खून बरसा। भारत छोड़ो के एक नारे पर हमने बलिदान दिया। मैं यहां तुम्हारे लिए नहीं आया। मुझे अगर पता होता कि तुम जैसे बेहुदा लोग यहां आते हैं तो मैं यहां हरगिज़ ना आता। ये बात सच है कि मैं तुम्हारी तरह स्वतंत्रता संग्राम नहीं लड़ा, पर वो कोई संग्राम भी था। तुमने बलिदान दिया। जब विद्रोह नहीं तो बलिदान दिया। विद्रोह तो हुआ लेकिन तुम्हारी पीढ़ी उसे समझ नहीं पाए, महसूस नहीं कर पा। तो जहां विद्रोह होता है वहां बलिदान तो होता ही। सड़कों पर निकलने को तुम विद्रोह कहते और तुम किसे विद्रोह कहते? सड़कों पर लोगों का खून बहाने। हाँ मैं ऐसे ही विद्रोह कहता हूं। खून का एक कतरा बहाए बिना संग्राम नहीं होता, और वैसा तो बिल्कुल नहीं जैसा कि तुमने किया। उसे ये फिक्र है हर दम नया तड़ते दफा क्या। हमें ये शौक देखे सितम की इंतहा क्या है। तहर से क्यों खपा कर चर्ख का क्यों गिरा कर सारा जहां उदू सही। आओ मुकाबला। कोई तुम का मेहमान है ए अहले महफिल। चिरागे सहर हूं बुझा चाहता। मेरी हवाओं में रहेगी ख्यालों की बिजली। ये मुश्त है खाक है फानी। रहे रहे ना। क्या वो संग्राम था? वो संग्राम नहीं। वाह 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 मेरे मिट्टी के शेर। तो स्वतंत्रता संग्राम और कैसे होता? स्वतंत्रता संग्राम नीचे से लड़ा जाता। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं। जिसमें मूलभूत परिवर्तन होता है सुधार नहीं, पावर का ट्रांसफर है। शक्ति की नई सृष्टि जो आजाद जमीन से पैदा हो। बेटा जी साहब तो कॉफी पिलाओ मेरी तरफ। जी सर। मेरा मजाक किया तो फिर तोड़ दूंगा तुम्हारा। दरअसल अभी आपको अनुभव नहीं आप में इतना उत्साह है ये काबिले तारीफ है और मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे पैट्रनाइज करने की कोशिश मत करना। क्या 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 रुको रुको। तुम जैसों ने हमारी जिंदगी बर्बाद की। रुको रुको जरा समझने दो। दरअसल मैं हाई स्कूल की पास थी 1942 में नवीं कक्षा में पढ़ता था तभी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ा। कूद पड़े या किसी ने धक्का दे दिया? समझने दो समझने दो। बहुत अच्छा विषय। देखो ना ये कॉफी हाउस कितनी उम्दा है। तो तुमने कहा कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, यानी कि मैं भी ऐसा कहूं या कह सकता हूं कि सज्जन पुरुष ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वाह क्या निष्कर्ष। इस पर कोई 200 रुपए वाली शानदार कहानी लिखी जा सकती।
तुम्हारे कल की दिलचस्पी केवल निष्कर्ष ढूंढने में थी। उसी प्रक्रिया में एक और सुभाष चंद्र बोस को देश से बाहर निकाल दिया और दूसरी और अरविंद को जो भी था। जी सर, आया सर। ये सब भी मुझे लिख ले दो, नहीं तो मैं क्या भूल जाता हूँ बहुत जल्दी। सर, सज्जन पुरुष ने आप लोगों से नम्र निवेदन किया है कि आप प्लीज थोड़ा जोर जोर से बातें करें ताकि वो आपकी स्पीच सुन सके। तो सर, आपके लिए तो उन्होंने काजू के साथ क्रीम कॉफी का भी ऑर्डर दे दिया है। वो ऑर्डर उसी के चेहरे पर दे मत। सॉरी सर, लेकिन सचमुच वो बहुत सज्जन व्यक्ति है, उन्हें जरा भी क्रोध नहीं। मुझ में है, जाकर बोल दो उससे। सर, वो सब जानते हैं, इसलिए हर वक्त सबके कल्याण के चिंता में लगे रहते हैं। तू चुप रहता ही। सॉरी सर, लेकिन वो जब तक यहाँ बैठे रहेंगे मेरी यही खड़े रहने की ड्यूटी। अगर खड़े रहने की ड्यूटी है तो चुपचाप खड़ा रहे। सॉरी सर, लेकिन बोलना भी मेरी ही ड्यूटी में शामिल है। देवियों और सज्जनों, ये गहरी चिंता और दुख का विषय है कि हमारी राष्ट्रीय चेतना दिनों दिन उत्तरोत्तर क्षीण होती जा रही है। व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर हमारे चरित्र का क्रमशः पतन हो रहा है। क्या परिवार, क्या घर, क्या दफ्तर, क्या शैक्षणिक संस्थाएं और क्या सार्वजनिक जीवन क्षेत्र, सर्वत्र एक इनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन का अनुवाद आप क्या करेंगे? अपना सिर, अपना सिर। ए बेटा, जाके सज्जन पुरुष से पूछो कि इनडिसिप्लिन का हिंदी अनुवाद क्या। जी सर, काय का हिंदी? इनडिसिप्लिन का हिंदी अनुवाद सर, इनडिसिप्लिन का हिंदी अनुवाद क्या होगा? जी जी अच्छा सर, सज्जन पुरुष ने कहा यही इंडिसिप्लिन चले दीजिए, ये शब्द उनको बहुत प्रिय है, इससे उनका मनोरंजन होता है। हाँ, तो सर्वत्र एक इंडिसिप्लिन छाई हुई है और इस इंडिसिप्लिन को हटाने के लिए ये जरूरी है कि हम जगह जगह स्थान स्थान ये अपने कान क्यों बंद कर रखे हैं? आपने कान क्यों बंद कर रखे हैं? इश्तिहार कैसा लगा आपको? ये मैंने अभी अभी लिखा, मुझे अभी बहुत काम करना है, इसीलिए मैं रोज सुबह सुबह जल्दी यहाँ चला आता हूँ। आप फिर गलत बात कह रहे हैं, आपसे पहले मैं यहाँ। देखो बंधु, नाराज मत, हम दोनों की पीड़ा कहीं एक समान है, हम दोनों हमदर्द हैं, हम सफर। मैं तुमसे बात नहीं करना। ऐसा मत कहो, बात ही तो हमारा जीवन, हम या तो व्यस्त रहते हैं या फिर खाली रहते हैं। बोलो कुछ बोलो, इस तरह खामोश मत रहो, ये खामोशी मुझे घूरती है। बोलो बोलो, तुम बहुत अच्छा बोलते हो भाई। मुझे तो बहुत काम करना है, इतना काम कि तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी मुझे ऐसे 5 इश्तिहार और लिखने हैं, 3 की प्रूफ रीडिंग करनी है, 2 के प्रिंट ऑर्डर देने हैं। ये सारी जो डायरी देख रहे हो ना तुम, ये सारी महत्वपूर्ण संस्थाएं है। मैं किसी का मंत्री हूं, किसी का अध्यक्ष हूं, किसी का कोषाध्यक्ष हूं और किसी का सचिव। ये देखो मेरी आज की डायरी, आज कितने लोग मुझसे मिलने आएंगे। ये देखो कितने लोग मुझसे मिलने आएंगे, इतने लोग से मैं स्वयं मिलने जाऊंगा और इतने महत्वपूर्ण लोगों को मुझे अन्य महत्वपूर्ण लोगों से मिलवाना। देखा मैं कितना व्यस्त हूं और कितनी कितनी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। पूछो इस बेटा से, रोज यहाँ सुबह सुबह नित्य पहला व्यक्ति मैं होता हूँ जो आता हूँ, और रात को 11 बजे यहाँ से जाने वाला वो आखिरी व्यक्ति भी मैं ही होता हूँ, पहला और आखिरी। जी सर, सर ने सही कहा, यहाँ सबसे पहले आने वाले व्यक्ति सर ही होते हैं और सबसे आखिरी में जो सबके पास जाते हैं वो सर ही है। क्या कहा था तुमने? संग्राम नीचे से ऊपर होता है। नीचे यानी जूतों की ठोकरों से। जूतों की ठोकरों से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इन दोनों में कुछ फर्क है? हाँ, क्या फर्क है ना? क्या फर्क है? लेकिन इस फर्क के अनुमान के लिए आपको शीर्षासन करना होगा। सच? हाँ। ओ, तभी महापुरुष लोग रोज सुबह सुबह शीर्षासन किया करते थे। जरूर इसमें कोई रहस्य शक्ति, मैं भी करूँ और अभी कर। बेटा जी, जाके कुशल ले आओ।
सर लेकिन कुशन तो है नहीं, वीआईपी लाउंज में रखा हुआ है। वीआईपी लाउंज में? हाँ, हर चीज मुझे बतानी पड़ती है, जल्दी लेके आओ। देखना कैसे किया जाता है शीर्षासन। सर कहाँ? अरे वाह, बस यहाँ पर देखना काम आए, और तुम तो जरूर देखना, तुम्हारे तो जरूर काम आए। ये ऐसे हाथ रखे, सर को ऐसे टिकाए और फिर तो क्या है, आदत छूट गई है ना, इसे थोड़ी तकलीफ हो गई है। ए बेटा जी, तो एक काम करना, ये मेरे पैर पकड़ना है ना, एक बार हो जाएगा फिर आगे बढ़ने लगेगा। बहुत दिन बाद कर रहा हूँ, बचपन में किया था। ए, ये क्या हो गया, सब कुछ उल्टा दिखाई पड़ रहा है, जो ऊपर था वो नीचे हो गया और जो नीचे था वो ऊपर हो गया, और बीच में क्या है? केवल शून्य, केवल शून्य। ए, छोड़ 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 मुझे बेटा, छोड़ छोड़। बेकार की बात है ये सब, मुझे इन चीजों से क्या लेना देना, मुझे अभी कितना काम करना है। हंसो मत, मेरे जीवन में अभी एक लक्ष्य है, मुझ में अभी बहुत आशा बाकी है। मैं इससे भी काम चला लेता हूं। आज कॉफी हाउस में इतना चौबी खिड़कियों सर, आधे लोग तो वही है मैं रोज बैठते हैं, शेष लोग नए हैं सर, वो कल से ये लोग भी यहाँ बैठे लगेंगे। मतलब सर, मतलब आज दफ्तरों इतनी हुई और कॉलेजों की स्ट्राइक है ना। ओ, हम दोनों ने कल यहीं पर बैठने का वादा किया, वो आदमी तो कहाँ गए? तुम्हें पता होना चाहिए वो लड़की मामूली नहीं। तो सर हो सकता हो बाहर सड़क पर आकर इंतजार कर रही हूँ, उसे किसी की जरूरत नहीं, उसे किसी का भी डर नहीं। तो सर हो सकता हो अंदर आने की कोशिश कर रही हूँ, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। Don't disturb। देखते नहीं कि मैं कितना जरूरी काम कर रहा हूँ, कितना व्यस्त हूँ मैं। लेकिन सर इधर वो सज्जन पुरुष तो खाली बैठे ना सर, मुझे उनके लिए बोलना ही पड़ेगा सर, ये नौकरी मुझे उन्हीं की वजह से मिली है। ओ, इधर से आए? नहीं सर, इधर से हॉल से होती हूँ। क्यों सर? क्योंकि इधर वो सज्जन पुरुष बैठे ना। कहाँ बैठा, कौन है वो और क्यों है? नहीं 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 सर 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 प्लीज सर, आप उधर नहीं आ सकते। दादा बकवास की, उठाकर फेंक दूंगा सर, मारपीट करने के लिए उधर इतना हॉल है। कुत्ता वो पहला जानवर है जो मनुष्य के समीप आया,
हजारों वर्षों से ये दोनों जीव साथ साथ रहते आए हैं, दोनों ने समान रूप से एक दूसरे को प्रभावित किया। कुत्ते का हमारे सांस्कृतिक जीवन में अत्यधिक महत्व। चंद्रलोक में उतरने वाला वो पहला जीव यही कुत्ता हो। कुत्ता एक धार्मिक जीव, ये भौंकता भी है और पूंछ भी हिलाता है। बेटा ठीक है, जाए कॉफी लेके आ, 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 जा, जा। हाँ ये ठीक, यहां खड़े रहकर आप बेशक उन्हें निहारिए।